Hey guys, I'm Anvita here. Welcome back to my YouTube channel. I'm back again with another exciting video. So I hope ab log sab acche ho and please safe bhi raha karo. Like especially in this particular time, COVID cases phir se increase ho raha hai. So precaution wagera mana karke chalo. So safe raha karo. So filhal main bhi theek thaak hoon. And about today's video. आज का जो वीडियो है ना, आई डोंट नो यू विल कॉल इट वियर्ड और नॉट. लाइक द थिंग इज, माय बर्थडे इज कमिंग सून. इट्स लिटरली नॉकिंग एट द डोर. एंड लाइक मेरा आज कुछ बेकिंग करने का मन कर रहा था. सो आई डोंट नो, आई थॉट ऑफ मेकिंग माय ओन बर्थडे केक. लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डेट ऑफ माय बर्थडे. मोस्ट प्रोबब्ली मेरा बर्थडे के बाद ही ये वीडियो ब्लॉग को मिलेगा. स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो. लाइक I'm going to make my own birthday cake. Is it weird to make your own birthday cake? I don't know. Comment करके बताओ अगर आप लोगों को weird लगता है और नहीं लगता है. I don't know. Anyway, मैं बहुत ही confused हूँ कि कौन सा केक बनाया जाए. पहले मैं सोचती थी कि वनीला बनाऊंगी normal. फिर I thought of making truffle. फिर now मेरे को लग रहा है नहीं, normal chocolate cake ही बना देते हैं. I'm still very much confused. I don't know क्या करने वाली हूँ. तो या देखते हैं आगे मैं क्या करने वाली हूँ. जो भी करने वाली हूँ मैं पूरा लाइक प्रोसीड्योर एंड एवरीथिंग हम लोग को दिखाने वाली हूँ. अब मेरा बहुत सारा केक का वीडियो, बेकिंग वीडियोस भी है. आप लोग पहले देख चुके हो मोस्ट प्रोबब्ली. अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो. तो या एंड आज भी जो मैं प्रोसीड्योर दिखाऊंगी आप लोग वो फॉलो कर सकते हो. बहुत ही यम्मी टेस्टी पूरा प्रोफेशनलाइज्ड केक बनेगा. सो या ट्राई किया करो एंड मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताया भी करो कि कैसे लगा एंड एवरीथिंग. एंड अब लोग मेरे को अदर सोशल मीडिया मेरा जो है साइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पे भी फॉलो कर सकते हो. फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड क्लब हाउस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड स्क्रीन में भी अब लोग को दिख रहा है. सो इफ यू वांट, अगर मैं अब लोग को पसंद हूँ तो प्लीज डू फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो. सो या स्टे ट्यून्ड, मैं सब कुछ दिखाऊंगी अब लोग को कैसे क्या हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर केक नाउ. सो फॉर दैट पहले एक बोल लेना पड़ेगा. यहाँ पे आई हैव टेकन दिस बोल. पहले सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सबको मिक्स करना होगा. तो यहाँ पे पहले है 1 कप ऑफ फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर. सो उसको यहाँ पे डाल देंगे. फिर यहाँ पे है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, वो भी डाल देंगे. एंड देन यहाँ पे है 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ये भी डाल देंगे. एंड यहाँ पे है 3 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, वो भी यहाँ पे डाल देंगे. Then we will mix it well ताकि सब कुछ अच्छे से mix हो जाए सभी dry ingredients. इसको पहले use करने से पहले ना छान लेना पड़ेगा जो कि मैं कर ली थी. So yeah. So the mixture is ready now. तो इसको हम side पे रख लेंगे अभी. Then यहाँ पे we will take another bowl जिसमें हम पहले डालेंगे 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर. फिर उसके अंदर वी विल टेक 2 eggs. दूसरा एक. नाउ वी विल मिक्स इट वेरी वेल जब तक एक क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए. आई एम सो अकाउंट.
So now you can see it has turned into a creamy texture. टेक्सचर पूरा क्रीमी बन गया है तो अभी इसको और वेट नहीं करना पड़ेगा. इट्स डन. अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल. एंड देन 1 कप ऑफ बटर मिल्क. एंड इसको अभी अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा. ऐसे बटर मिल्क एंड ऑयल तो अभी मिक्स हो गया है तो इसमें अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस. इसको अभी थोड़ा मिक्स कर लेंगे. यू कैन सी द मिक्सचर यहाँ पे. तो अभी ये बन चुका है हमारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स है. इसमें हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करेंगे तो एक साथ पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ करके हम इसमें हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सारा ऐड करेंगे. इतना तक हम दे दिया है तो इसको थोड़ा अभी साइड कर देंगे. थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद फिर बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. इसका जो मैं पहले भी बताई थी जो मिक्स करने का मेथड है उसको बोलते हैं काट एंड फोल्ड. दिस इज काट एंड फोल्ड. काट एंड फोल्ड दिस वे आपको करना है. तो ऐसे हम पहले मिक्स करेंगे काट एंड फोल्ड प्रोसेस में, फिर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी डाल देंगे. हाफ ऑफ द ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुका है तो जो बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है अभी वो इसमें पूरा डाल देंगे. सॉरी थोड़ा गिर जाता है यार. इसको भी मिक्स करेंगे. एंड मैं तो बताना भूल ही गया कि मैं तो चॉकलेट केक बना रही हूँ अभी तक. आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रफल बनेगा और नॉर्मल चॉकलेट केक. सो लेट्स सी. स्पॉन्ज तो मैं नॉर्मल चॉकलेट ही बना रही हूँ तो फ्रॉस्टिंग के टाइम देखते हैं मेरे को क्या पसंद आता है तो वो बनाएंगे. सो या बैटर तो रेडी हो गया है. यू कैन सी द कंसिस्टेंसी. ऐसे कंसिस्टेंसी रहेगा. लाइक आप अगर मेजरमेंट सब कुछ लाइक इंग्रेडिएंट्स का मेजर ठीक रखोगे तो लाइक कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली ठीक आ जाएगा. सो या तो इसको हम साइड कर देंगे और बेकिंग का जो ट्रे है वो रेडी करेंगे. दिस इज द बेकिंग ट्रे. तो नीचे अगर आप पार्चमेंट पेपर और बटर पेपर देना चाहते हो यहाँ पे तो दे सकते हो. तो मेरे पास नहीं है सो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल ले ली हूँ तो इसको ग्रीस करना पड़ेगा अच्छे से पूरा. सो ये ऑयल ग्रीस हो चुका है. Now I will put some maida or all-purpose flour over here. फिर इसको अच्छे से पूरा कवर कर देंगे. And जो excess flour है उसको यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे. सो या आवर बेकिंग ट्रे इज रेडी. ट्रे में वो बैटर पोर करने से पहले यहाँ पे जो माइक्रो ओवन है उसको कॉन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने छोड़ देंगे. ये जो बैटर है इसको इसमें पोर कर देंगे. पे बैटर डाल चुके हैं तो यहाँ पे जो बबल्स है ना इसको हटाने के लिए वी नीड टू टैप इट ऐसे ऐसे कर. तो देख सकते हो बबल्स जो है वो बास्ट हो जा रहा है. तो यहाँ इट्स डन नाउ. सो हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है फॉर 10 मिनट्स. तो यहाँ पे अभी हम इसको डाल देंगे बंद. सॉरी
convection mode, then start and we will bake it for 35 to 45 minutes. So now what you need to do, you just need to wet. That's all. So hi guys, I am back again. So उस टाइम पे तो मैं केक माइक्रोवेव पे डाल दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जिम जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने मम्मी को बोला कि 45 मिनट्स के बाद वो माइक्रोवेव स्विच ऑफ करके केक को निकल के बाहर रख देने के लिए. सो मम्मी वही किया, 45 मिनट्स के बाद मम्मी ने केक को माइक्रोवेव से बाहर करके लाइक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दी थी कि ताकि वो ठंड हो जाए. ठंड मतलब कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में केक चले आए. सो वही, सो केक अभी बेक हो चुका है, मैं अभी जिम से आ गई हूँ, तो चलो देखते हैं कैसे बेक हुआ है केक. केक पूरा बेक हो चुका है, आप देख सकते हो. एंड केक में ये क्रैक है ना, इट्स टोटली नॉर्मल. इट्स का लाइक ये साइन है कि केक आपका अच्छे से बेक हुआ है. केक में क्रैक होने के लिए बहुत लोग डर जाते हैं, बट इट्स टोटली नॉर्मल. सो अभी मैं एक टेस्ट करके दिखाऊंगी, एक टूथपिक लेके आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, पूरा देख सकते हो. अगर टूथपिक के लाइक बॉडी में कुछ नहीं लगा होगा तो केक पूरा अच्छे से बेक हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, आप देख सकते हो क्लियर आ रहा है टूथपिक. सो अच्छे से केक बेक हो चुका है. तो अभी इसको अनमोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्पॉन्ज आया है. और टू अनमोल्ड द केक, आपको ऐसे साइड पे एक नाइफ से इसको अच्छे से ऐसे कर सकते हो, फिर इसको ऐसे करके अच्छे से टैप करने से ही ये क्लियरली बाहर निकल कर आ जाएगा. क्लियरली you can see the sponge and it's very soft. तो इसके बाद इसका frosting करेंगे हम, तो मैं दिखाऊंगी frosting कैसे कर रही हूँ and everything. So yeah, और हम इस केक को frost करेंगे and उसके लिए पहले इसको 3 sections में हम divide करेंगे. So उसके लिए हमको चाहिए ये bread knife. So इससे हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. पहले ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा हटा देंगे. दैट्स डन. देन यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट. Clear cut. Then here's the third layer. Like cake थोड़ा height में ज़्यादा था, तो I thought of making 4 layer actually. So yeah. ये कट रहा है थर्ड एंड फोर्थ लेयर. सो या इट्स डन. नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे वी आर हैविंग व्हिपिंग क्रीम. सो पहले थोड़ा क्रीम लेके यहाँ पे लगा देंगे ताकि केक स्टिक रहे बेस के साथ. सो या फिर इसके ऊपर हम ये फर्स्ट लेयर कर देंगे. डन. नाउ वी विल ऐड सम शुगर सिरप इन इट. फिर इसके ऊपर थोड़ा व्हिपिंग क्रीम डालेंगे एंड इसको एक स्प्रेडर के हेल्प से हम पूरा स्प्रेड करेंगे.
सो इट्स डन. इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर हम रख देंगे एंड उसके हिसाब से फिर शुगर सिरप डालेंगे. फिर लाइक ऐसे ही इसके ऊपर क्रीम डाल के फिर केक का लेयरिंग करके ऐसे ही हम पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे. दिस थिंग इज रेडी. लाइक बेस जो है वो रेडी हो गया है. इसके ऊपर हम डिजाइन करेंगे. उसके लिए मैं यहाँ पे ये लाइट पीच कलर ली हूँ. लाइक इसको थोड़ा येलो दिख रहा है कैमरा में, आई डोंट नो व्हाई, बट ये लाइट पीच कलर का है. एंड ये है पाइपिंग बैग. तो इसमें ये भर के वी विल डेकोरेट द केक. आई थिंक यू कैन सी द कलर राइट नाउ. क्रीम हम ये पाइपिंग बैग में भर लिए है. तो इसमें छोटा छोटा रोज करके वी विल डेकोरेट द केक ऐसे. ऐसे करके हम पूरा केक को भर देंगे. सो या आई विल फिनिश इट एंड आई विल कम बैक. सो गाइस द केक इज डन. केक हो गया है. ये छोटा छोटा रोज बना के मैं पूरा कवर की हूँ. उसके ऊपर मैं छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स डाल चुकी हूँ. यहाँ पे इस तरह से मैं डेकोरेशन की हूँ. इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ. सो या दैट इज द केक. गाइज दैट वॉज द रेसिपी. आई होप आप लोग को अच्छा लगा केक के डिजाइन एंड एवरीथिंग. बेसिकली आई मेड टू केक्स. एक का वीडियो मैं नहीं बना पाई. तो दोनों ही मैं स्पॉन्ज तो चॉकलेट बनाई थी. फिर एक नॉर्मल चॉकलेट केक बनाई. फिर मेरे को ट्रूफल खाने का मन कर बिकॉज ट्रूफल इज माई फेवरेट. सो मैंने और एक ट्रूफल केक बनाई. अच्छा ट्रूफल केक का अगर देखना है कैसे हुआ था एंड एवरीथिंग तो यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम. मैं एक रील पोस्ट की हूँ वो ट्रूफल केक का, कैसे ट्रूफल केक लाइक बना है आप वहां से देख सकते हो. ठीक है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो. उसके लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप चेकआउट कर सकते हो. फिर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो मेरे सोशल मीडिया आईडीज. तो वहां पे जाके आप वो ट्रूफल केक का डिजाइन देख सकते हो. और ये था और नॉर्मल चॉकलेट केक. सो या दैट वाज फॉर टुडे एंड दैट्स हाउ आई मेड माय बर्थडे केक्स. इट्स वियर्ड आई नो, स्टिल इट्स अबाउट माय फैमिली आल्सो. दे हैव एंजॉयड द केक एंड या आई एम हैप्पी. सो या अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज, आप लोग को तो पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर दो. एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो ताकि कोई वीडियो ना मिस कर जाओ. सो या चलो फिर बाद में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. टेक केयर.